बन जाएगा, सब सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल द गवर्नमेंट टू कंडक्ट द सेंसस। 2011 में सेंसस हुआ है, 2023 है, जब तक सेंसस ही नहीं होगी तब तक हम कैसे डेवलपमेंट के काम करेंगे। एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी एक्सरसाइज है हमारी सेंसस। सेंसस के बिना कैसे राशन कार्ड बन जाएंगे, क्या फायदा रिक्वेस्ट करने का। हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, धड़ल्ले से माइनिंग होती है यहाँ पर, यहाँ देखो चोर बिहारी बनी हुई है कि हम कुछ नहीं कर पा। और एक 3,000 का अंडरवेरियम हमें जैसे गवर्नमेंट हमें दे रही है, एक 3,000 का, 1,000 का एकदम पंच को मिल रहा है, और 30,000 को मेरा पेट्रोल का खर्चा बढ़ घुमा कर रखा हुआ है। कभी एक डिपार्टमेंट फोन कर देता, फिर दूसरा डिपार्टमेंट फोन कर देता, सरपंच जी ये आ गए वो आ गए, तो क्या समस्या रख रही है। पिछले 4 साल से हम ये ब्लॉक के उसमें ये सारी बातें बोल रहे हैं, हम जहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने, हम वही के वही स्टिल वही के वही खड़े। मेरे पंचायत में एक स्कूल है मैडम, UPS अपर प्राइमरी स्कूल है, वो उस स्कूल की खस्ता हालत थी, और डिपार्टमेंट आता है, एक इंजीनियर आता है PWD का, उसे अनसेफ डिक्लेयर कर देता है उसको। That building is declared unsafe. What? I'm sorry to say, that building is standing strong. अभी तक building खड़ी है, उसे तो 2 मिनट में गिरा देना चाहिए था building को। अगर कोई untoward incident अगर हो जाता है, तो who is responsible for that? And it poses a great threat. मैंने इसको लेकर application लिखी थी। जितने भी CEOs अभी तक आए हैं, सभी से मैं मिला हूँ। अगर गिराने के लिए funds नहीं है, कोई तरीका अपनाइए, कोई प्रोविजन निकालिए, मेरे को बोलिए, मैं गिराता हूं उसको। बट वी कॉन्ट टॉलरेट ऑल दिस सिली थिंग्स। हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है जो अच्छे से डिलीवर करे और लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए। वी अप्रिशिएट दिस एफर्ट, और देर तो नहीं हम इसके कभी इसके बारे में नहीं दिया इसके लिए कि दूसरे काम दूसरे हो सकते थे। और वही के वही उल्टा हमारे लिए समस्या बन जाती है कि मैं जहाँ कोई एक वालों के खिलाफ बोलूंगा बोलेंगे कि हमारे खिलाफ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो जितनी भी हमारी स्कीमें हैं वो उनका बेसिक जो है वो एक राशन कार्ड है। 2011 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में जो राशन कार्ड नहीं बने, जितनी हमारी सरकार की स्कीमें हैं, चाहे वो मातृ बेटी हो, चाहे वो वास पास हो, चाहे वो सुकन्या योजना हो, चाहे वो SBM की हो, आज 2023 साल है। जिस बच्चे की उम्र 2011 में 20 साल थी, आज उसकी उम्र होगी 33 साल, उसके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनको लाडली बेटी की स्कीम का फायदा नहीं मिला, उनको वास पास नहीं मिला, उसको SBM नहीं मिला। अगर हमारी सरकार स्कीमें दे रही है, पैसा होने के बावजूद भी हमें उन स्कीमों का फायदा नहीं मिल रहा, उसका बेसिक कारण हमारा राशन कार्ड। हम चाहते हैं कि जो हमारे जो राशन कार्ड है वो इमीडिएटली बनने चाहिए, क्योंकि एक और मैं इसका चाहती है कि बच्ची है, लाडली बेटी है, उसका जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो, तो कैसे होगा। अगर हमारी इसका चाहती है वो गरीब आदमी है, उसको मकान देना है, उसके पास राशन कार्ड नहीं, वो कैसे बने। बाइफर्केशन इज पॉसिबल नाउ, पॉसिबल है। सेंसस होगा ना पहले, फिर उसके बाद ही होगी ना, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है। सेंसस, टेल द गवर्नमेंट टू कंडक्ट द सेंसस फर्स्ट, सो दैट पीपल कैन गेट अ लीव। बाइफर्केट भी हो जाएंगे, नए राशन भी बन जाएंगे, और उसमें बाकी जो स्कीम्स हैं सारी स्कीम्स रिवाइव हो जाएंगी। PMGSY का क्राइटेरिया भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल द गवर्नमेंट टू कंडक्ट द सेंसस। 2011 में सेंसस हुआ है, 2023 है, जब तक सेंसस ही नहीं होगी तब तक हम कैसे डेवलपमेंट के काम करेंगे, कैसे स्कीमें बनेगी, कैसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स बनेंगे। तो इसमें मिसकम्युनिकेशन कोई नहीं होनी चाहिए। लेट अस बी वेरी क्लियर, हम बड़ी लिखी सोसाइटी के लोग हैं, आज हमें पता होना चाहिए कि सेंसस के क्या मायने होते हैं। सेंसस इज द बिगेस्ट एवर एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी एक्सरसाइज है हमारी सेंसस। सेंसस के बिना कैसे राशन कार्ड बन जाएंगे, क्या फायदा रिक्वेस्ट करने का। मुझे मालूम है कि विदाउट सेंसस राशन कार्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि मैंने ये सुना है, इन्हीं के ऑफिसर से सुना है मैंने, सी एफ डिपार्टमेंट के ऑफिसर से। तो सॉरी। और कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और
ऐसा भी है कि काम नहीं हो रहे, जो काम हो रहा है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है उसको करना भी चाहिए, लेकिन काफ़ी हद तक काम हुए हैं। क्योंकि हमने देखा जब हम सरपंच बने थे पहले, तो हम भी सोचते कि हम जब सरपंच बनेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अपने पंचायत को पूरा सबसे बढ़िया करेंगे और कोई भी लोगों की जो कमियाँ हैं वो सारे वहाँ पे काम होंगे, लेकिन होता क्या, ऐसा होता नहीं है। कोई भी काम को सिस्टम के हिसाब से चलता है, हर काम तो होता नहीं, लेकिन फिर भी हमने सुना था कि पहली जो पंचायतों को जैसे हमारे सुरेश कुमार सेठ जी बोल रहे थे कि 1 लाख या 1.5 लाख नहीं आता था, लेकिन अभी फंडिंग की कोई कमी नहीं, काफ़ी सारा फंड पंचायतों को दिया है। जब सरपंच बना तो कोई पिछली किस्त में हमारी रुकी हुई थी, वो मुझे 80 लाख रुपये एक साथ मिल गया, एक ही साथ में 80 लाख रुपये मिला, और या मैंने उसका प्लानिंग भी बोली तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट के काम हुए। उसके बाद मुझे BDC का चुनाव है तो मैं BDC बना, तो फिर हमने वहाँ भी कुछ काम किए, लेकिन BDC पहले बार वहाँ इलेक्शन हुआ हमारे, जहाँ पे पहले कभी था नहीं, हमें नहीं पता था यहाँ क्या होगा, लेकिन BDC में 25 लाख वहाँ भी हमें बनता था, वहाँ भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद DDC है तो अभी हमें 71 लाख मिल रहा है, उससे भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है, और उसके अलावा भी हमें काफ़ी सारा फंड मिल रहे हैं, जैसे स्टेट प्लांट में जहाँ हमारे काफ़ी सारी और स्कीमें हैं, PMKSY में मिल रहे हैं काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं, और NABARD में मिल रहे हैं काफ़ी, और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई। अब जैसे हमारे पता नहीं अभी हमें भी अब 2-3 महीने बचे, हमें DDC का चुनाव होता नहीं मिलता, लेकिन DDC और पंचायतों का चुनाव आने वाला है, तो पंच सरपंच भी अपनी जगह सही बोल रहे हैं कि हमें भी लोगों को दोबारा चुनाव में आना है, दोबारा इलेक्शन लड़ना है, तो जो मुद्दे इनके हैं वो भी उन्होंने रखने, अच्छी बात है। आप लोग वेल अवेयर उसके, मैं DC साहब या CPO साहब कोई पैसा हाइक नहीं कर सकते। सबसे पॉजिटिव साइन पहला ये है कि पहले हमें पता नहीं होता था लोगों को कि किस काम के लिए कितना पैसा है। आज की डेट में जैसे हमने डिजिटल वीक में भी बता रहे कि आपको पता है कितना पैसा आया डिस्ट्रिक्ट में, मैं कोई इसको हाइड नहीं कर पाई, ठीक है। अब किस काम का पैसा पूरा आया, किसका कम आया, वो सेकेंड स्टेप पे, ठीक। आप भी जानते हैं पंचायतें आपकी पहला फेज है, ठीक है, पहला काम है। आप लोगों को भी 1 लाख से आप 25 लाख पे आए, होपफुली 25 से आप 50 पे जाएंगे, करोड़ पे जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखें जो डेवलपमेंटल काम था वो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपने 3 साल पहले गली बनाई है, वो 3 साल पर डिमांड करेगी रिपेयर, तो आप ये कहो कि मैं आपको कहूँगी एक बार गली बना के तो 10 साल के लिए मैं चुप हो जाऊंगी, वो नहीं हो सकता। आपका डिमांड जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, लॉजिक है, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी कॉलोनियाँ बढ़ेंगी, आपकी सड़क की डिमांड बढ़ेगी, तो जैसे जैसे आपकी डिमांडें बढ़ेंगी और आप सैचुरेशन में कभी पहुंच नहीं पा सकते। डेवलपमेंट हर 10 साल, हर 5 साल आप एक घर भी बनाते हैं अपनी मर्जी से, पुख्ता घर सब कुछ अच्छा लगा के, वो भी 2 साल बाद आपसे रिपेयर मांग, ठीक है ना। तो जो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ है वो तो मुझे लगता है 1 साल बाद ही रिपेयर मांगना शुरू हो जाती है, तो ये हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम एक एंड पॉइंट में हम कभी नहीं पहुंचेंगे कि जी सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारे जो एक प्लस पॉइंट भी है, आप एक डिफिकल्टी भी है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारी डिमांड्स, हमारी एस्पिरेशन सब कुछ बढ़ रहा है, तो उसको मीट करना एक डिफिकल्ट टास्क है, बीइंग पार्ट ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए भी और हमारे लिए। जो इस सिस्टम में जो पॉजिटिव बात ये हो रही है कि आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिन ब दिन बढ़ रही है, और जो भी आप लोगों का फीडबैक होता है वो हम आगे जो हमारा काम है हम कम्युनिकेट करते हैं।